इंदौर के जेज यूनिवर्सिटी में बीते 3 मई को हुई शॉर्ट सर्किट में घायल हुए 2 कर्मचारियों की मदद करने एनएसयूआई के प्रदेश सचिव पर मुकदमा दर्ज करने को लेकर कांग्रेस नेताओं और एनएसयूआई पदाधिकारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पदाधिकारियों ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला करते हुए इसे अंधेर नगरी चौपट राजा तक कह डाला। भैया, जो सेज यूनिवर्सिटी में आज जो एक तार गिरने से घायल हुए थे आप, क्या है पूरा मामला और क्या कर रहे थे आप वहाँ और क्या हादसा हुआ था उस समय? मैं सेज यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ। हम डी ब्लॉक से वॉइस हॉस्टल तक हम वो वाईफाई की केबल डाल रहे थे। डी ब्लॉक के पास में हाइटेंशन लाइट बिल्कुल पास में, हमने उसकी छत से तार नीचे फेंका और वॉइस हॉस्टल तक ले गए। अब वो धीरे धीरे खींचते हुए हवा चली, क्या हुआ तो वो तार जाके हाइटेंशन लाइट में चिपक गया। हमको जैसे ही करंट लगा ना, हम वैसे ही बेहोश हो गए थे। और पहले एक हॉस्पिटल में लगा सिलिकॉन, तो वहाँ की जगह सर ने बोल दिया कि तो वो डेड हो गए, मतलब मर गए हैं आपको। वहाँ थोड़ा होश आया था। और फिर दूसरे सन में हॉस्पिटल में ले जाके जो सर भैया थे, उनके जो दोस्तों थे जो लाए हमको, उनने सन में हॉस्पिटल में हमको भर्ती करवाया। और जो मेरे सर थे जो ज़्यादा घायल हो गए, उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि आकाशीय बिजली गिरी थी? नहीं, वो नहीं था, ऐसा नहीं कुछ था। नहीं, तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या चाहते हैं आप? क्या आपको जब मृत घोषित कर दिया अस्पताल ने, तो इसको लेकर कुछ करने जा रहे हैं आप क्या? हाँ, बस यही है कि वो चेक कर लेते और मुआवजा हुआ। अपना नाम बता दें। सक्षम भार्गव। सेज यूनिवर्सिटी में 3 तारीख को जो गंभीर विषय जो घटना घटित हुई थी, उसको लेकर मैंने सेज यूनिवर्सिटी में 4 तारीख को वहाँ के डीन और उनसे बात करने के लिए गया था। मैंने बच्चे के मुआवजे और वहाँ उनकी आंखें खोलने के लिए, क्योंकि वहाँ पर 50 बच्चे भी बैठे थे, कल से उनके साथ घटना घटित हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन रहता, ये बात मैंने जब उनसे पूछी तो उन्होंने बहाना लिया कि आकाशीय बिजली थी, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। उन्होंने बोला हमारे ऊपर, उनके ऊपर बिजली गिर गई तो उन्होंने कोई हम पर एहसान नहीं किया। उस बात से गुस्सा होकर जब NSUI ने नारेबाजी करी तो उन्होंने पीछे से किसी फैकल्टी से धक्का दिलवाया, और वहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी थी तो प्रशासन से हमको बाहर करवा के, पूरा प्री प्लान था, उनको सारी फैकल्टियों को ले जाके मेरे ऊपर उन्होंने 151 का प्रकरण दर्ज कराया, जबकि वहाँ पर कोई ऐसी बदसलूकी नहीं थी। वहाँ जहाँ पर यह घटना घटित हुई वहाँ पर कॉलेज परिसर में 2-2 कैमरे लगे हुए हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप मेरी मदद करें और जो CCTV फुटेज में घटना घटित हुई है उसके आधार पर अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर प्रकरण दर्ज हो, नहीं तो मेरे साथ ऐसा अन्याय ना हो। शुरुआत में जो दोनों जो कर्मचारियों को अस्पताल लेके गए थे, जहाँ पर एक कर्मचारी को मृत भी घोषित, दोनों कर्मचारियों को, क्योंकि चूंकि वो बेहोश थे तो उनको मृत घोषित कर दिया था। फिर वहाँ वो सिलिकॉन में, अब मैंने बच्चों से वो तो पूछा नहीं, जबकि ऐसा कोई हॉस्पिटल ही नहीं है सिलिकॉन में, छोटे मोटे डॉक्टर वहाँ पर बैठते हैं। अगर उनको फ्री में कहीं इलाज कराना था तो या तो MY भेजना था। कॉलेज प्रशासन ने उनको सिलिकॉन के हॉस्पिटल में भेजा, वहाँ से बच्चे घबरा गए थे, 2 छोटे बच्चे लेके आए थे, उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया कि भाई साहब ऐसी घटना घटित हो गई है। तो मैं तत्काल वहाँ पर पहुँचा, एक बच्चे को मैंने सनराइज़ में एडमिट कराया और एक को लेके चोइथराम में मैंने एडमिट कराया। नहीं, जो मृत हो गया था फिर अभी दोनों मृत घोषित नहीं हुए, एक की तो कल छुट्टी हो गई है, उसका सिर्फ ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है और दूसरा सीरियस है जो चोइथराम में एडमिट है अभी भी। आपका नाम? मेरा नाम कुणाल पटवारी, प्रदेश सचिव NSUI। सर, ये आज सेज यूनिवर्सिटी के लोग आज प्रेस वार्ता में आपके सामने प्रेस वार्ता में क्या मामला? देखिए कि पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में अंधेर नगरी चौपट राजा है। जब 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 भी जुल्म के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाने की कोशिश करता पूरे देश में, हमारा कुणाल NSUI विंग का हमारा मजबूत नेता है। चाहे वो स्टूडेंट्स की बात करने की बात करता हो, स्टूडेंट के हित की बात करता हो, अगर यूनिवर्सिटी के प्रशासन द्वारा स्टूडेंट के साथ में ज़्यादती की जाती है, चाहे वो फीस के मामले को लेकर हो, ज़बरदस्ती फीस वसूली की जाती हो, दंड ब्याज के नाम पर की जाती हो, जब जब इस देश में छोटे से लेकर बड़े लेवल तक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर, न्याय को लेकर,
कोई भी व्यक्ति बात करने की कोशिश करता है, वो चाहे पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, उसमें आप सत्यपाल मलिक जी को देख लीजिए, उन्हीं की पार्टी के राज्यपाल रहे, बड़े नेता रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भाजपा के खिलाफ बोला तो उनके खिलाफ भी तमाम तरह के इश्यूज चालू हो गए। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी उनको भी जेल तक पहुँचाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के लोग कर देंगे। तो भाई आपने दौर में जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है वहाँ हुआ था जिसमें दो लोग कर्मचारी घायल हो गए थे, उसमें से बताया कि एक जो है मृत हो गया था जबकि वो आपके साथ कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, क्या है पूरा मामला? और अभी जो NSUI पर एक आरोप भी लगा है और इस पर FIR भी दर्ज की है। देखिए NSUI छात्रों के हितों में लड़ाई करने वाली एक संस्था है, वो संस्था में नेता यदि आवाज़ उठाते हैं, प्रशासन जो तानाशाही करता है उसकी आड़ में उगाही करता है फीस के साथ, और जो छात्र के हितों को नागवार गुजरता है, जो कर्मचारियों को अनदेखा करता है उसकी हितों की यदि लड़ाई NSUI लड़ता है, हमारे कुणाल भाई ने उनकी आवाज़ को उठाया क्योंकि वहाँ पर दो घंटे उसको अस्पताल तक नहीं ले गए, जिसको जो प्रशासन सेज यूनिवर्सिटी का प्रशासन बता रहा है कि बिजली गिरने से उसे को करंट लगा, लेकिन जब सामने आपके सामने जो जिसे करंट लगा है वो बोल रहा है कि मुझे तार से करंट लगा है, तो ये झूठ उजागर हुई। और केवल उनका यही है कि जिस तरीके से NSUI वो लड़ाई लड़ते हैं, वो प्रशासन उसको बदला लेने के लिए कि उनको दबाने के लिए ये प्रकरण झूठा दर्ज कराया, जबकि जिम्मेदारी उनकी बनती है कि उसका इलाज कराएं, उसको मुआवजा दें, और मुआवजे के लिए इन्होंने मांग की, उसी के कारण उनको ये दबाव में आकर उन्होंने प्रकरण दर्ज कराया। तो ये झूठ है, और आज उसको इतना गंभीर, वो बेहोश होकर इतना गंभीर करंट का झटका लगा कि वो होश में नहीं है, जब अस्पताल ने उसे मृत घोषित किया तो ये तो बड़ी बात है। उससे घबराहट में ही प्रशासन ने, सेज यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने सोचा कि हमें पैसा देना पड़ेगा और अब हमारी लापरवाही भी उजागर होगी, तो वो ताबड़तोड़ में उन्होंने NSUI के हमारे कुणाल भाई के ऊपर प्रकरण दर्ज करवाया। तो ये गलत है, कहीं ना कहीं अस्पताल और यूनिवर्सिटी की लापरवाही मानते हैं 100%। अस्पताल तो वहाँ डॉक्टर कौन था ये एक अलग विषय है, लेकिन विश्वविद्यालय की तो यूनिवर्सिटी की तो जवाबदेही पूरी बनती है, और यूनिवर्सिटी का जो भी इसमें संलग्न है उन पे प्रकरण दर्ज होना चाहिए, और प्रशासन ने उनको उचित मुआवजा देना चाहिए कि कर्मचारी आपका काम करते हुए घायल हुआ है और उसे अब कल ही छुट्टी हुई है, तो ये प्रशासन ने सोचना चाहिए, ये उनका फर्ज है, उनका कर्तव्य है कि इस तरीके की ये गुंडागिरी जो छात्रों के भविष्य के निर्माता है जो सिखाते हैं, वो ये सिखाते हैं कि एक झूठ और झूठ और दबाव प्रभाव की राजनीति करना चाहते हैं, तो ये पूरी तरह गलत है। इसी कारण आज हम आपके बीच आए और ये जो सच उजागर करने के लिए हम यहाँ पर प्रेस वार्ता में साथ में